विद्यालय प्रबंधन द्वारा मिंती व रतौली गांव के छात्र छात्राओं का नामांकन नहीं लेने को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने शनिवार को सर्वोदय हाई स्कूल बैंगरा में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित ग्रामीणों ने बताया कि यह हाई स्कूल उत्तरा पंचायत में ही अवस्थित है, लेकिन इसके बावजूद भी इस पंचायत के मिंती व रतौली गांव के बच्चों का 9वीं कक्षा में नामांकन यहां नहीं लिया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि मिंती गांव में अवस्थित इस विद्यालय का नाम पूर्व में महंत राम कृपाल दास उच्च विद्यालय मिंती लिखा गया था। देखिए, यह जो विद्यालय अवस्थित है मिंती गांव में, इस विद्यालय का जो जमीन है वो मिंती गांव के गांव में पड़ता है, और हम लोग जब इस स्कूल में पढ़ने आए थे उस टाइम में भी बोर्ड था, एक ये हनुमान जी का जो मंदिर है उसके पचरा में बोर्ड था, उस पर लिखा हुआ था महंत राम कृपाल दास उच्च विद्यालय मिंती, और उसी के नाम से महंत जी ने जितने भी जमीन इस विद्यालय के नाम से डोनेट किए हुए हैं वो सारा जमीन खतियान उच्च विद्यालय मिंती के नाम से है, जो अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उसको पेश करेंगे। लेकिन बाद में कुछ सामंतवादी सोच के लोगों द्वारा जानबूझकर इस विद्यालय से मिंती का नाम हटवा दिया गया। चूंकि यह विद्यालय उत्तरा पंचायत में स्थित है, इसलिए यहाँ पहले इस पंचायत के बच्चों का एडमिशन होना चाहिए, उसके बाद अगर सीट बचता है तो बाहर के बच्चों का नामांकन होना चाहिए। सामंतवाद लोगों ने अपने जमाने में इसको जानबूझ करके हटा दिया मिंती का नाम और बैंगरा लिख दिया, ये सरासर नजायज है। जब ये हमारे उत्तरा पंचायत में विद्यालय अवस्थित है तो हमारे बच्चों का पहले नामांकन होना चाहिए, मिंती टोली के बच्चों का नामांकन होना चाहिए, और उसके बाद अगर सीट बचता है तो आप अलग के बच्चों को भी ले, उसमें भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बच्चे किसी का है, बच्चे बच्चे होता है, उसका शिक्षा होना मिलना सबको जरूरी है। स्कूल के प्रभारी इस बात को आगे तक बढ़ाएं, इसके लिए हम लोग संघर्ष करने को तैयार हैं। मास्टर साहब फिर प्रोसीडिंग को आगे बढ़ावे, हम लोगों को जहां तक जाना होगा इस लड़ाई को लड़ेंगे, और इस बैंगरा को हटा करके जो मिंती था। विरोध प्रदर्शन में पूर्व जिला पार्षद श्रवण कुमार यादव, जदयू के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष अरुण यादव, मुखिया प्रतिनिधि प्रिंस कुमार, प्रकाश शाह, सत्यनारायण यादव, गोपाल कुमार, जीवच यादव, कृष्णचंद्र यादव, सती अहमद, रंजीत यादव सहित अन्य शामिल थे। देखिए, यह जो विद्यालय अवस्थित है मिंती गांव में, इस विद्यालय का जो जमीन है वो मिंती गांव के गांव में पड़ता है, और हम लोग जब इस स्कूल में पढ़ने आए थे उस टाइम में भी बोर्ड था, एक ये हनुमान जी का जो मंदिर है उसके पचरा में बोर्ड था, उस पर लिखा हुआ था महंत राम कृपाल दास उच्च विद्यालय मिंती, और उसी के नाम से महंत जी ने जितने भी जमीन इस विद्यालय के नाम से डोनेट किए हुए हैं वो सारा जमीन खतियान उच्च विद्यालय मिंती के नाम से है, जो अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उसको पेश करेंगे, और यह उत्तरा पंचायत में अवस्थित है। सरकार ने नया कानून लागू कर दिया कि पंचायत में ही बच्चे, जिस पंचायत के बच्चे हैं उसी पंचायत में उसका नामांकन होगा, तो ये तो उत्तरा पंचायत में है ही, और यहाँ के प्रधानाध्यापक टीचर के द्वारा मिंती और रतौली के बच्चों को भगा दिया जाता है, नामांकन नहीं किया जाता है। इसी से सारे गार्जियन लोग आए हुए हैं, अभिभावक लोग आए हुए हैं, हम लोगों का यही मांग है कि जब ये हमारे उत्तरा पंचायत में विद्यालय अवस्थित है तो हमारे बच्चों का पहले नामांकन होना चाहिए, मिंती रतौली के बच्चों का नामांकन होना चाहिए, और उसके बाद अगर सीट बचता है तो आप अलग के बच्चों को भी ले, उसमें भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बच्चे किसी का है, बच्चे बच्चे होता है, उसका शिक्षा होना मिलना सबको जरूरी है। दूसरी बात, इस बैठक हुई थी 4-3 साल पहले, हमारे माननीय विधायक सुधांशु शेखर जी भी थे, हम भी उस बैठक में उपस्थित थे, सरवण जी भी उपस्थित थे और मदन जी भी थे, उस टाइम में इस विद्यालय का प्रधान अध्यापक थे आशुतोष मिश्र जी, उस बैठक में भी लिखा गया था प्रोसीडिंग में कि इसको मिंती किया जाए, ये नाजायज है। कुछ सामंतवाद लोगों ने अपने जमाने में इसको जानबूझ करके हटा दिया मिंती का नाम और बैंगरा लिख दिया, ये सरासर नाजायज है, और हम लोगों का यही मांग है कि मास्टर साहब फिर प्रोसीडिंग को आगे बढ़ावे, हम लोगों को जहां तक जाना होगा इस लड़ाई को लड़ेंगे, और इस बैंगरा को हटा करके जो मिंती था।